हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लौकी का बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए एक लौकी और इसका छिलका अभी हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसे कट करके धो लेंगे और बीच वाला पार्ट हम अलग करना है। इसे भी हम इस रेसिपी में आगे यूज़ करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से। तो बीच वाला पार्ट ज़रूर निकालिएगा क्योंकि इसमें सीड्स होते हैं। उसके बाद हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे और जो बचा हुआ वाला पार्ट है इसे बहुत बारीक कट कर लेंगे। और लौकी में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निचोड़ना है, तो निचोड़ने के लिए आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ईजी हो जाता है। तो पानी हमें पूरा अच्छी तरह से दबा दबा के निकाल लेना है इसका। और एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए, उसके बाद ऐड करेंगे एक कप चना बेसन। बेसन यहाँ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 5 से 7 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से हमारा स्नैक्स कुरकुरा बनता है और टेस्ट में भी अमेजिंग लगता है। 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, फ्रेश कुटी हुई लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट और मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिए अभी डो रेडी है। तो बड़े बड़े साइज के आप चाहे तो इसके डायरेक्ट पकोड़े भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना के पहले रख ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। इससे हमारा काम इजी हो जाता है। साइड में मैंने तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है क्योंकि अभी हम इसमें नमक डाले हैं तो ये थोड़ा पिघलेगा, तो आप थोड़ा जल्दी करिएगा। तो बस एकदम गर्मा गर्म तेल में मैंने इसे फ्राई कर लिया है। बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स और बनाना भी आसान है। अगर बच्चे नहीं खाते हैं लौकी तो आप इस तरह से बनाइए। और इसके साथ मैंने एक डिप बनाई है बहुत ही सिंपल तरीके से। टमाटर, हरी धनिया और मिर्च को पीस लीजिएगा और थोड़ा सा नमक डाल के आप इस स्नैक्स को एंजॉय करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।